लॉकडाउन के रहते हुए ईद का त्योहार घरों में नमाज अदा कर मनाया गया। ईद के दूसरे दिन अजबा वेलफेयर फाउंडेशन धार के द्वारा ईद की मिठास भरी खुशियों को लेकर बड़े बुजुर्गों से दुआएं लेने के लिए वृद्धाश्रम धार पहुंचकर सवैया की मिठाई के साथ खुशियां बांटी। इस मौके पर ईद की मिठास के साथ वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्धजनों को मिठाई के साथ फल एवं बिस्किट वितरित कर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर संस्था के सरपरस्त जनाब मुफ्ती सैयद सज्जाद साहब के साथ संस्था के मुजीबुर रहमान साहब, खालिद निसार एडवोकेट, सैयद रियाज, सैयद नवाज, फातेह निसार एवं मकसूद भाई के सहयोग से वृद्धजनों को मिठाई एवं फल वितरित कर बुजुर्गों से दुआएं ली गई। बुजुर्गों को ईद के मौके पर मिठाई फल के अलावा संस्था द्वारा ईदी भी दी गई। अजबा वेलफेयर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के उत्थान हेतु शिक्षा एवं अन्य कार्य के अतिरिक्त समय समय पर निचले एवं पीड़ित तबकों की आवश्यकता अनुसार जितनी हो सके मदद पहुंचाना होता है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।